वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज मैं अपने बर्थडे में एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। केक की रेसिपी सिंपल होगी और हेल्दी भी होगी, टेस्टी भी होगी खाने में। और सिवांस अभी छोटा है तो इसलिए हम बाहर का खाना ज़्यादातर अवॉइड करें बीमारियों की वजह से। तो पहले भी मैं एक दो बार बना चुकी हूँ केक घर पे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं केक। ये आधा लीटर दूध है, ये आटा है एक कटोरी, एक कटोरी सूजी है, एक कटोरी चीनी है पीसी हुई, और ये ऑयल है छोटा कटोरा, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये बाउल है जिसमें हम बैटर बनाएंगे, और ये बेकिंग पाउडर है, और ये वनीला एसेंस। इसमें फ्लेवर काफ़ी मिल जाएंगे आपको। और ये फॉइल की जगह आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, और ये मैंने फॉइल यूज़ करा है क्योंकि मेरे पास फॉइल पड़ा था। और ये केक टिन है। चलो स्टार्ट करते हैं बैटर बनाना। अब मैं इसमें एक कटोरा आटा डालूंगी, डाल दिया है मैंने, और ये सूजी डालूंगी एक कटोरा, और ये मैं चीनी डालूंगी इसमें। चीनी अपने टेस्ट अनुसार डालें क्योंकि किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। ये मैंने मिक्स कर दिया इसको। थोड़ा और डाल देंगे मीठा। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल बचा दूंगी ये जब केक टिन में लगाने के लिए, और ये थोड़ा सा आटा बचाया मैंने, और ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला। एक चम्मच डाला बेकिंग पाउडर, एक और दो, दो चम्मच। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखो ये बैटर ऐसा बन चुका है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, ठीक है। अब इसमें ये वनीला एसेंस डाल दें दो, एक चम्मच। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। थोड़ा सूजी डाल रखे, जो सूजी इसमें थोड़ा भीग जाएगी, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तब तक ये इसको रेस्ट करने देते हैं। तब तक ये हमारा केक टिन है। अब इसमें हम ऑयल लगा देंगे। ये हमारा ऑयल लग चुका है, इसमें हम आटा डाल देंगे। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम फॉइल लगाएंगे।
अब इसमें भी हम ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि चिपके ना करके। आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगा लें, मैं तो हाथ से लगा रही हूँ। ये मेरा केक टिन रेडी हो गया है। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। इसमें मैंने नमक डाल रखा है और ये स्टैंड रख रखा है, गैस फुल में है। ये मैंने इसके उस पर प्लेट रख दी है, तब तक गर्म हो जाएगा, मतलब इसमें हीट बन जाएगी। फिर इसके बाद इसमें हम केक डालेंगे। अभी बैटर यहाँ पे, अभी तब तक सूजी भीग जाएगी इसमें, फिर इसके बाद डालते हैं इसमें केक टिन में। ये देखो सूजी भीग चुकी है और ये देखो बैटर फिर थोड़ा गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी ने दूध सोख लिया है ना, तो इसमें थोड़ा और दूध डाल देना आप लोग। मेरा 1.5 गिलास तक दूध लग चुका है। अगर आपका ज़्यादा लगेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप कितना मतलब कितना रख रहे हो, मतलब बैटर की कंसिस्टेंसी और ये सब इसमें नाप के, अगर ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं दूध ज़्यादा लगेगा, कम है तो नाप के ले रहे हो तो नाप के ही दूध लगेगा आपका। ये देखो बैटर ठीक हो गया है। अब हम इसे केक टिन में डालेंगे। अब इसको थोड़ा ऐसे टैप टैप कर देना, मतलब थोड़ा ही बैठ जाएगा ये बैटर, मतलब सही से सेट हो जाएगा। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स इसलिए रख रखे थे इसको डेकोरेट कर सकूं, क्योंकि अगर आपके पास अगर टूटी फूटी फ्रूटी है, किशमिश वगैरह, आप किसी से भी डेकोरेट कर सकते हैं इसको। और सिंपल भी रखना चाहोगे तो कोई बात नहीं, सिंपल भी रख सकते हो आप इस केक को, बट ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, हल्का गुनगुन मतलब गर्म होता है ना, तो खाने में बहुत टेस्टी होता है। मेरे घर में तो सबको यही पसंद है, सिंपल सा केक। सीमांस के लिए भी अच्छा है ये, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अब मैंने कढ़ाई के अंदर केक डाल दिया है। 10 मिनट के लिए इसकी हाई फ्लेम रखना आप, फिर इसके बाद लो कर देना। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसकी फ्लेम लो में करती हूँ। इसको बनने में आधा घंटा 45 मिनट लग जाएंगे। गैस में तो इतने लगता है और ओवन में भी लगभग 25 मिनट लग ही जाते हैं। ये देखिए मैंने 30 मिनट बाद खोला इसको। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ पकाया नहीं पकाया चाकू से। देखो हल्का सा गीला है, पर 10 मिनट और पकाएंगे इसको। ये देखिए मैंने 10 मिनट बाद फिर खोला। अब मैं इसमें चाकू डाल के फिर से देखूंगी। ये देखो बिल्कुल क्लीन आ रहा है ना, तो पक गया है केक। अब मैं इसको आपको खाली करूँ, मतलब थोड़ी देर बाद इसमें डाल के दिखाऊंगी आपको इस प्लेट में कैसा बना है केक। अब मैं इसमें से निकालूंगी इसको, गरम है ध्यान से निकालिएगा। थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको प्लेट में निकालेंगे। देखो आप इसलिए ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको खाली करूंगी प्लेट में। ये देखो कितना अच्छा बन रखा है। कितना
फलजी बन रखा है। यहाँ पे शिवान चिल्ला रहा है उसको के खाना। ये देखिए शिवांश की मस्ती केक काटते हुए, इतनी क्यूट सी हरकतें करता है ना ये, जितना बड़ा होते जा रहा है उतनी क्यूट सी हरकतें बढ़ती जा रही हैं इसकी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।